कि कल ही भानुप्रतापपुर चुनाव का मतदान समाप्त हुआ है और आज हमारे बीच में हमारे छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता, अनुसूचित जनजाति समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व मंत्री, पूर्व राज्यसभा सदस्य आदरणीय रामविचार नेताम जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। साथ में विकास मरकाम जी, हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चे के अध्यक्ष अनुराग जी। आपको सबको मालूम है कि इस पूरे चुनाव में भूपेश बघेल सरकार ने जो अपने विकास के गीत गाते थे, गाथा गाते थे, उस पर चुनाव लड़ने की बजाय पूर्व विधायक एक आदिवासी नौजवान और उसके चरित्र को लेकर उसको अपमानित करकर और पूरे आदिवासी समाज को अपमानित करने का काम करकर उन्होंने चुनाव लड़ने का काम किया। और उसमें वो अकेले नहीं, उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी भी शामिल रहे, उनके पूरी पार्टी शामिल रही, पूरे प्रवक्ता शामिल रहे और हम ये कह सकते हैं कि पूरी कांग्रेस पार्टी ने जनजाति समाज को बिकाऊ बताकर और पूरे जनजाति समाज को सिर्फ छत्तीसगढ़ के नहीं पूरे देश के जनजाति समाज का अपमान किया है और इसका बदला भानुप्रतापपुर की जनता निश्चित रूप से लेगी और कल वो आपको रिजल्ट के रूप में दिखाई देगा। मैं विस्तृत रूप से इस बारे में चर्चा करने के लिए माननीय रामविचार नेताम जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बातचीत रखें। साथियों नमस्कार। जैसा कि आपके बीच में हमारे प्रदेश के कद्दावर नेता, हम सबके आदरणीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी ने पूरी बात को भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के उस चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान कांग्रेस के ओछी मानसिकता का जो उदाहरण प्रस्तुत किया गया, मैं समझता हूं कि इसे हमारा पूरा आदिवासी समाज कभी माफ नहीं करेगा। इस समाज को गुमराह करने के लिए, इस समाज को भ्रमित करने के लिए और इस समाज को अपमानित करने के लिए उन्होंने जो हथकंडा अपनाया, इससे निश्चित ही भूपेश बघेल सरकार को बहुत ही हाय लगेगा, लोगों को श्राप भी लगेगा। एक गरीब आदिवासी परिवार का बेटा चुनाव प्रत्याशी के रूप में मैदान में आता है, भारतीय जनता पार्टी के सर्वसम्मत प्रत्याशी के रूप में उसे लाया जाता है, उसे प्रचार करने के लिए हम सब मिलकर के माननीय ब्रिजमोहन जी के नेतृत्व में हम सब ने भरपूर प्रयास किया, मेहनत किया और प्रदेश सरकार की जो नाकामियां थी उन सब को देखते हुए ऐन वक्त में आरक्षण के विषय को भी उन क्षेत्रों में लोगों ने बहुत ही गंभीरता से लिया और सरकार के प्रति लोगों का आक्रोश झलकने लगा, दिखाई देने लगा। चाहे विकास के कार्य हो, चाहे अन्य सोशल सेक्टर में काम करने की बात हो, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, लोगों के 30,000 आवास छीनने की बात हो, इन सभी बातों से
वहां की जनता भारी आक्रोशित थी। कांग्रेस पार्टी की सरकार को, कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए उनका गुस्सा जगह जगह पे दिखाई दे रहा था। इन सब स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने जो षड्यंत्र किया और एक हमारा भारतीय जनता पार्टी का गरीब परिवार का बेटा, आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला, उसके खिलाफ चरित्र हनन करने जैसे घृणित कार्य करने का उन्होंने जो षड्यंत्र किया और चुनाव के दौरान झारखंड पुलिस को ला करके यहां जो दबाव बनाने का कोशिश किया, उसे बयान देने के बहाने तो कभी गिरफ्तारी के बहाने, तरह तरह का, कल ही आप लोगों ने देखा कि बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों में मतदाता लाइन में जब लगे हुए हैं और उन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी को स्पष्ट रूप से लोगों का समर्थन प्राप्त होने जैसी परिस्थिति दिखाई दे रही थी, इन सब को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने, कांग्रेस पार्टी के सरकार ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने और उनके प्रदेश के अध्यक्ष ने बिना सोचे समझे जिस प्रकार से षड्यंत्र पूर्वक एक चारित्रिक हनन करने का जो षड्यंत्र किया, कुचक्र रचा और मतदान को प्रभावित करने के लिए कल के दिन जिस प्रकार से नाटक हुआ, घटनाक्रम आपके सामने रहा, उसे समाज जो है बहुत ही क्षुब्ध है और नाराज भी है और कांग्रेस पार्टी को निश्चित ही इस समाज के नाराजगी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। वैसे तो चुनाव के दौरान हम लोगों ने देखा किस प्रकार से शासकीय मिशनरियों का इन्होंने दुरुपयोग किया, उनके सीओ, उनके रेंजर, उनके पुलिस के तमाम सारे महकमा, उनके अधिकारी उन क्षेत्रों में दारू बांटने का, शराब बांटने का खुलेआम हमारे कार्यकर्ता के द्वारा पकड़े जाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई न किया जाना और खुलेआम मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए सामग्री बांटा जाना, पैसा बांटे जाना, ये अपने आप में उनकी नियत और कांग्रेस की नीति को उजागर करता, स्पष्ट करता है। दूरस्थ अंचलों में जिस प्रकार से इन्होंने बिना वर्दी लगाए कर्मचारियों को, पुलिस के जवानों को, कई जगह से कर्मचारियों को ला करके घर घर में जाकर के पैसे बांटने का काम में लगाया और घर घर में जिनके परिवार के लोग कर्मचारी हैं वो भाजपाई परिवार का होने के बावजूद उन्हें भी जिस प्रकार से प्रताड़ना दिया गया, प्रताड़ित किया गया, मैं समझता हूं कि ये सारे इनकी पोल जो है खोल के रख दिया है और निश्चित ही ये सरकार जो है अपने कर्मों के से डरी हुई है और डर करके तमाम तरह के ये सब हथकंडा जो है अपना रही है। आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने जिस प्रकार से उन्होंने हाई कोर्ट के स्थगन का जो जिक्र किया कि उन्हें सिर्फ जो है बलपूर्वक गिरफ्तार करने के लिए रोका गया है, कोई भी गिरफ्तारी कोई आरती उतार के नहीं की जाती है। गिरफ्तारी तो गिरफ्तारी होती है लेकिन उनका कहना है कि नहीं, बलपूर्वक न करें इसके लिए रोक लगाया गया है, हास्यास्पद है। तो साथियों, इस तरह से हमारे समाज को जो लांछित करने का, अपमानित करने का और प्रताड़ित करने का
जो इस सरकार ने षड्यंत्र किया है उसका नतीजा निश्चित तौर पे 8 तारीख को जो परिणाम घोषित होगा तो उसमें दिखाई देगा। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारा भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से निश्चित ही जीतेगा। यदि ये लोग अपने षड्यंत्रों से अगर बाज आए होंगे तो देखिए सरकार की नीति के तहत शराब सिर्फ सरकारी दुकानों से ही मिल सकती है, तो वहां पर हजारों पेटी शराब जब्त की गई है, वो कहां से आई? क्या ये सरकार पंगू हो गई है? क्या ये सरकार नामर्द हो गई है? दूसरे प्रदेशों की शराब को यहां पर बिकने के लिए अलाउ कर दिया है? क्या सरकारी दुकानों से वहां पर शराब सप्लाई की गई है? इसका जवाब उनको देना चाहिए। और हाई कोर्ट ने अपने उसमें लिखा है कि 165 के बयान में कहीं ब्रह्मानंद नेताम का नाम नहीं है। उन्होंने कहा है कि FIR में ब्रह्मानंद नेताम का नाम नहीं है, अपने डिसीजन में लिखा है। तो फिर एक नौजवान आदिवासी जो पहले विधायक रह चुका है, जिसको पूरा क्षेत्र जानता है, जिसको पूरी दुनिया जानती है, जिसके साथ में सुरक्षा लगी हुई थी, प्रत्याशी के रूप में भी, पूर्व विधायक के रूप में भी, उसके बारे में कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री स्वयं भाषण जाकर कहते हैं वहां पर। तो ये पूरे देश के आदिवासी समाज का अपमान है। इस चुनाव में तो बदला लेगी, आने वाले 2023 के चुनाव में, आने वाले 2024 के चुनाव में भी आदिवासी समाज भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी को माफ नहीं करने वाला है। और भानु प्रतापपुर का भरोसा भाजपा के साथ है और निश्चित रूप से इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और जीतकर यह संदेश जाएगा कि भूपेश अब तुम्हारे जाने का समय आ गया है। पहले आरक्षण के नाम पर बलगलाने की कोशिश की, फिर विधानसभा का सत्र बुलाकर जब मालूम है वो लागू नहीं हो सकता, खाली वोट की राजनीति के लिए पूरे देश के संविधान कानून का मखौल उड़ाया गया, उससे भी इनका जी नहीं भरा, तो ब्रह्मानंद नेताम को अंतिम समय में, और मुझे तो लगता है कि जो कल गिरफ्तारी की कोशिश की वो ईवीएम मशीनों में गड़बड़ करने के लिए, अपने सरकारी अधिकारियों के माध्यम से फर्जी वोटिंग कराने के लिए ऐसा समय चुना जो कि वोटिंग का 2:30 बजे से 3 बजे का, 3:30-4 बजे तक वहां पर लाइनें लगी हुई थी, और उस समय को चुना ये निश्चित रूप से, जबकि 1 बजे झारखंड के हाईकोर्ट के द्वारा गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी। उसके बाद आजकल इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, 1 सेकंड में आ जाती है जानकारी। अगर हमारे पास में 1 सेकंड में जानकारी आ गई, अगर सोशल मीडिया में 2 बजे चलना शुरू हो गया, तो उसके बाद 2:30 बजे गिरफ्तारी करने जाना, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के बारे में कहा जाता है कि अगर आपके कान में भी पड़ गए तो आपको उसको मानना चाहिए। उसके बाद भी मुझे लगता है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार के साथ साथ उस जिले के SP, कलेक्टर और झारखंड की पुलिस, ये सब हाईकोर्ट की अवमानना के दोषी हैं और उनके खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग कंटेंप्ट का मामला डालेंगे हाईकोर्ट में? निश्चित रूप से हम अपने विधिक सलाहकारों से बातचीत कर ये कार्रवाई करेंगे। आपने मुख्यमंत्री जी के भाषण का जिक्र किया ब्रिजमोहन जी, अचानक उनके शब्द इतने कठोर कैसे हो गए हैं? सारे भाषणों में शब्द बड़े कठोर।